ये देखिए दोस्तों, लग रही है ना मज़ेदार इडली, और बहुत ही सॉफ्ट है ये इडली, साथ में है सांबर। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका कोइनाज किचन में। आज की हमारी रेसिपी है इडली और सांभर। दोस्तों, साउथ इंडियन की बहुत ही फेमस डिश है इडली और सांभर, और तकरीबन हर किसी को बेहद पसंद होती है, और लाइट फूड है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इडली हम बनाएंगे रवा से। तो यहाँ सबसे पहले लेते हैं रवा या सूजी, जो मैं ले रही हूँ एक कटोरी के माप से। तो मैं 2 कटोरी रवा ले रही हूँ। आप भी इस तरह से नॉर्मल किसी भी बर्तन से माप लेकर बना सकते हो। तो ये 2 कटोरी हमने सूजी ली हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम 1 कटोरी दही की। तो ये खट्टा दही है मेरे पास, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो दही हो उसका इस्तेमाल कर लीजिए। साथ के साथ डालेंगे 1 चम्मच नमक, या टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे हम। ये देखिए, अभी थोड़ा सा ये हार्ड है, पूरी तरह से घुला नहीं है, तो इसके लिए हम डाल लेते हैं अब इसमें पानी। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक घोल रेडी करना है हमें। तो अभी हम पूरी तरह से घोल की कंसिस्टेंसी को सेट नहीं करेंगे, क्योंकि सूजी क्या है वो फूलती है, तो ये फूल जाएगी तो ये फिर से हो जाएगा गाढ़ा। तो अभी हम इसको इस तरह से थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिलाकर कुछ देर फिर हम इसे रख देंगे, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल कर सेट हो जाए या फिर थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। क्योंकि जब हम थोड़ी देर के लिए इसे इस तरह से रखेंगे तो इसमें थोड़े सी फर्मेंटेशन हो जाती है, तो बैटर जो है हमारा अच्छे से फूल जाता है, सेट हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए थोड़ा सा इसका गाढ़ा सा घोल रेडी करके इसको रख देते हैं हम। ये देखिए, इसी तरह से इसे एक प्लेट से ढक दीजिए, और 2 घंटे के बाद हम इडली की अगली प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, तब तक करते हैं सांभर की तैयारी। यहाँ लिया है मैंने एक कुकर। कुकर में ली है मैंने एक कटोरी दाल। इसको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब हम इसे डाल देते हैं कुकर में। इसके साथ ही इसमें डालेंगे पानी, जो आप खूब सारा पानी डाल सकते हो इसमें, क्योंकि हमें सांभर में पानी जो है वो थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा ही होती है। अभी सब्जियां भी हम डालेंगे तो पानी ज़्यादा डाल देंगे हम। साथ में डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाला है ये। इसके साथ ही मैं डालूँगी 1 चम्मच देसी घी। घी डालने का फ़ायदा दोस्तों ये है कि आपकी दाल जो है जब बॉईल होगी तो उफन कर वो कुकर से बाहर नहीं आएगी, और घी का स्वाद तो आता लाजवाब है। तो अब हमें इसे करना क्या है, हाफ कुक करेंगे दाल को, 1 सीटी लगवाएंगे बस। अब यहाँ मैंने ली है कुछ वेजिटेबल्स। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल सांभर में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ये दाल निकाल ली है। देखिए, ये 1 सीटी के बाद की दाल है, तो ये हाफ़ कुक हुई है, पूरी तरह से ये पकी नहीं है। तो इसी स्टेज में हमें दाल को रखना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये सारी वेजिटेबल्स। यहाँ मैंने लिया है 1 आलू, वो इस तरह से थोड़े से चकोर टुकड़ों में काटा हुआ है। ड्रम स्टिक्स है मेरे पास, इसको इस तरह से हम लंबाई में कट कर लेंगे। और 1 बैंगन लिया है मैंने, उसको भी इसी तरह से चकोर टुकड़ों में कट किया है। तो इन सबको पहले डाल देते हैं, और इसके साथ ही मेरे पास है लौकी। लौकी थोड़ी सी मैंने इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करी है, और है बीन्स। ये सब हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उसको डाल दीजिए, बना लीजिए, काफ़ी अच्छा सांभर बनेगा। लेकिन ड्रम स्टिक अगर हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि उसका जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा आता है सांभर में। तो लीजिए, कुकर कर देते हैं बंद। अब इसको फिर से 1 सीटी तक हम पका लेंगे, क्योंकि सब्जियां हमारी बड़ी जल्दी कुक हो जाती हैं। तो चलिए, करते हैं अब इसके तड़के की तैयारी। तो यहाँ लिया है मैंने पैन। पैन में डालेंगे ऑयल,
ऑयल को करेंगे हम अच्छे से गरम। अब इसमें डाल देंगे हींग, साथ में डालेंगे मस्टर्ड सीड्स या राई, आधा चम्मच डाल रही हूँ, और एक छोटी सी चम्मच डाल रही हूँ मैं मेथी दाना। मेथी दाना को, राई को बहुत अच्छे से हम भून लेंगे। राई चटकने लग जाती है और मेथी दाने का कलर हल्का सा गोल्डन हो जाता है, गोल्डन ब्राउन सा। जैसे ही आपका ये हो जाए, पक जाए, अच्छे से भून जाए, तब इसमें ऐड करेंगे, ये है मेरे पास दो मिर्ची साबुत वाली, जिसे हाथों से बीच से तोड़कर डाल देंगे। इसके साथ ही डालेंगे कड़ी पत्ता। अब काफी अच्छे से चला लेते हैं। इसमें से काफी अच्छा एरोमा आपको फील होगा, क्योंकि काफी अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें डाल देती हूँ एक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, हल्का सा पिंकिश होने तक हम इसे भून लेंगे। अब इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। तो यहाँ पहले मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, इसको मैं एक चम्मच डाल रही हूँ। आधा चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, अच्छे से मिला लेते हैं। मसाले बहुत ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, क्योंकि सांभर मसाला जो हम इसमें ऐड करते हैं, तो उसमें ऑलरेडी कितने सारे मसाले ये होते हैं उस मसाले में। तो अब डाल देती हूँ इसमें दो चम्मच सांभर मसाला। लीजिए, अब हम देख लेते हैं जो हमने प्रेशर कुकर में अपनी सब्जी और ये सब बॉईल करा, ये देखिए कितने अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। सब्जी हमारी एक सीटी में बहुत अच्छे से गल जाती हैं और दाल भी बहुत अच्छे से हो गई है। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तड़के में। धीरे धीरे डालकर काफ़ी अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। अब हम इसे में डालना है इमली का पल्प। ये मैंने इमली थोड़ी सी भिगोई थी, ये उसका पानी मैंने निकाल लिया है, बीज उसके अलग कर दिए हैं। इसको हम डाल लेते हैं सांभर में। ये काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है जो हम इमली का ये पल्प यूज़ करते हैं सांभर में। अगर आपके पास ये ना हो तो अमचूर भी आप ऐड कर सकते हो, आप उसे डाल दीजिए, तब भी टेस्ट आ जाएगा, लेकिन इमली के पानी का अपना ही टेस्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। काफ़ी अच्छे से पका लेंगे तो हमारा सांभर क्या हो गया, रेडी है ना। बहुत ही आसान तरीका, आप भी इसी तरह से बनाइए सांभर को, काफ़ी अच्छा लगता है। और आप इसे इडली के साथ, डोसे के साथ या फिर चावल के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए अब देखते हैं अपना बैटर। ये देखिए सूजी काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गई है और फूल गई है अच्छे से। थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे, इसकी कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि घोल को हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इडली का बैटर आप थोड़ा सा गाढ़ा रखते हो, क्योंकि नहीं तो फिर वो बहुत अच्छे से नहीं फर्म, आपका अच्छे से स्टीम नहीं होगा, वो बिल्कुल लिक्विड कर दोगे अगर घोल, तो इसमें स्टैंड में भी वो टिकता नहीं है। तो घोल को हमें थोड़ा सा रखना है गाढ़ा सा। अब मैंने लिया है यहाँ पे इडली स्टैंड, जिसको हम ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे उसमें अच्छे से। इसको ग्रीस करने के बाद फिर हम ग्रीसिंग कर लेंगे और इसे कर देंगे थोड़ा साइड में। अब हमें क्या करना है, जो हमने अपना बैटर बनाकर रखा है उसमें हम डालेंगे इनो। यहाँ मैंने एक सेशे लिया है इनो का, ये लेमन फ्लेवर वाला है, तो ये नॉर्मल ही इसे हम यूज़ करेंगे, इसका कोई टेस्ट नहीं आता फिर। और इससे काफ़ी अच्छे से हमारी इडली जो है स्टीम हो जाएगी और काफ़ी सॉफ्ट बनती है।
तो इस सैशे को मैं डाल देती हूँ। साथ में डालते हैं थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। अब इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, वेट नहीं करवाएंगे अपने बैटर को। जैसे ही आपने इसमें इनो का सैशे डाल दिया, बहुत जल्दी से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम डाल देंगे इसको इडली स्टैंड में। जैसे ही हमारा मिक्सिंग हो जाए तो इस तरह से लीजिए और एक स्पून की हेल्प से इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर स्टैंड में डालेंगे हम। लीजिए रेडी है। अब हम इसे, मैंने कुकर ऑलरेडी गैस पर रखा हुआ है, उसमें लिया है मैंने थोड़ा सा पानी, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। और ये पानी हल्का हल्का सा गर्म हो गया है। इसी तरह से आप, मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ स्टीम लगवाने के लिए। अगर आप पे स्टीमर हो तो आप उसमें लगवा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली किसी भी बड़े से बर्तन में आप पानी ले लीजिए और इस तरह से जिसमें आपका स्टैंड फिट आ जाए उसमें भी आप स्टीम लगवा सकते हो। यहाँ कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, लेकिन याद रखना उसकी विसल को हम रिमूव कर देंगे, वो हम नहीं लगाएंगे। तो अब फ्रेंड्स, हमें 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से हाई फ्लेम पर रहने देंगे तो इडली हमारी काफ़ी अच्छे से स्टीम्ड हो जाएगी, काफ़ी सॉफ्ट बनेगी और आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो लीजिए, जैसे ही 7-8 मिनट हो जाएं, कुकर को गैस पर से उतार लीजिए और देखिए काफ़ी गर्म है अभी। तो अभी मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे इडली हमारी कितनी अच्छे से स्टीम हुई है, बिल्कुल फूल गई है अच्छे से। अब इसे हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए एक लेंगे स्पून, जिसको हम नीचे, ये देखिए, एक तरफ से शुरू करके सारे नीचे से अच्छे से घुमा देंगे ताकि इडली जो है स्टैंड के साथ बिल्कुल भी ना चिपके और बड़ी आसानी से अपनी ही शेप में बाहर हम निकाल लें उसे। ये देखिए, इसी तरह से आप सारी इडली को हल्का सा नीचे से स्पून की हेल्प से निकाल दीजिए। तो लीजिए, कर लेते हैं सर्व हम। तो सांभर मैंने ऑलरेडी कटोरी में डाल के रखा है, अब इसमें सजा देते हैं इडली। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितनी सॉफ्ट इडली हमारी बनकर रेडी हुई है और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार लगती है। दोस्तों, रवा की इडली आप कभी भी इंजॉय कर सकते हो, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब आपका मन करे तो झटपट ये रेडी हो जाती है। तो और बनती भी देखो कितनी ही अच्छी है। आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी इडली भी एकदम नरम नरम बनकर तैयार होगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी बहुत जल्द।